हे गाइस, वेलकम बैक। तो वन प्लस नोट सी ई थ्री लाइट 5G अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं या फिर अगर आपने परचेज कर लिया है तो मैं आपको बता दूं, इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है ऑक्सीजन ओएस 13.1 जो कि बेस्ट ऑन है एंड्रॉयड 13 के लेटेस्ट अपडेट पर। अगर आप जानना चाहते हैं इसके यूआई में कौन कौन सी हिडन सेटिंग्स आपको मिलती हैं, कौन से फीचर्स यहाँ पर मिसिंग है, तो आज इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन सी सेटिंग्स आप बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरा के अराउंड ये सेल्फी लाइट कैसे आप अनेबल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के अंदर ये शॉर्टकट्स कैसे आप अनेबल कर सकते हैं। इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर अवेलेबल नहीं है, बट साइड लाइट इफेक्ट्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्लॉक स्टाइल कैसे आप अनेबल कर सकते हैं वीडियो में आगे बात करेंगे। काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स आपको मिल जाते हैं, स्प्लिट स्क्रीन, फ्लेक्सिबल विंडो, एक टाइम पर दो एप्लीकेशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐप लॉक है, गेम टर्बो मोड, ड्यूल एप्स है, तो सारी सेटिंग्स के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो वीडियो पे एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जो कंपटीशन के डिवाइसेज है IQ Z7, वीवो T2 सीरीज, अगर आपको वीडियोस देखनी इसका बैकवर्क या फिर इसका डिस्प्ले का टेम्पर्ड ग्लास अगर आपको परचेज करना है तो डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से चेकआउट आप कर सकते हैं। तो ओके गाइस, अगर हम बात करें फीचर्स के बारे में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसेंट एप्स की सेटिंग्स के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं इसका रिसेंट एप्स का डिज़ाइन आपको मिल जाता है। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे 3 डॉट यहाँ पर आपको मिलते हैं, अगर आप इसको लॉक करेंगे तो क्लोज़ करेंगे, अभी बाकी एप्लीकेशन आपकी यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी एंड ये आपकी क्लोज़ नहीं होगी। अनलॉक करेंगे तो ये भी क्लोज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटिंग विंडो के बारे में। एक टाइम पर आप 2 एप्लीकेशन अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर इस पर अगर आप टैप करेंगे इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, एंड कॉर्नर से अगर आप स्लाइड करेंगे जितना साइज में अगर आपको एडजस्ट करना है, मिनी में करना है, वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। एंड इस पर दोबारा अगर आप टैप करेंगे इसको यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम इस पर दोबारा टैप करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अभी दूसरी एप्लीकेशन ओपन करनी है तो इस पर हम टैप करेंगे तो एक टाइम पर अगर आपको आधी स्क्रीन पर कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, बाकी भी दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, एंड यहाँ से उसका एरिया भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे, एंड स्लाइड डाउन करेंगे वो यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी। बाकी 3 फिंगर से अगर आप स्लाइड अप करेंगे एक साथ तो ये ऑप्शन ऐसे भी काम कर देता है। बाकी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट एप्स में पूरा क्लियरली आपको शो करता है। अगर आप हाइड कंटेंट पे टैप करेंगे, अभी आप देख सकते हैं रिसेंट एप्स से ये हाइड हो चुका है, जो भी अंदर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। बाकी मैनेज पे टैप करेंगे, डिस्प्ले अगर आप चाहते हैं रैम मैनेजमेंट शो करें, कितना रैम आपका बचा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा प्रॉपरली शो करेगा। इसको ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ पर ये भी ऑफ़ हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें गेम्स के बारे में, काफ़ी लोग गेम प्ले करते हैं, यहाँ पर गेम्स की एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। इस पर टैप करके ऐड गेम्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर जो भी आपकी गेम है वो आपको ऐड कर लेनी। अभी के लिए कोई गेम इंस्टॉल नहीं है। बाकी जैसे कि ये गेम है, प्ले पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर पर एक स्लाइड बार आपको मिलेगा, इस पर टैप करेंगे, अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। प्लस पे यहाँ पर टैप करेंगे, जो एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है, सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है, ये ऐड करनी है, तो सिंपली उस पर टैप कर देना है। बाकी टूल अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर लेनी है। अभी बता देता हूँ ये ऑप्शन कैसे काम करता है। जैसे मान लो ये गेम चल रही है, अगर आप चाहते हैं कोई दूसरी एप्लीकेशन भी साथ में एक्सेस करना, बाकी यहाँ पर इस पर टैप करेंगे, यहाँ से फुल साइज में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एंड बाकी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी शॉर्टकट आपको बताया है, यहाँ से आप क्लोज़ कर पाएंगे। तो जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर गेमिंग करते हुए ऐड करनी है वो सिंपली आप ऐड कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अगर आप BGMI, PUBG अगर आप गेम प्ले करते हैं, या फिर कोई भी आप गेम प्ले करते हैं, या फिर कोई भी गेम, कोई भी जैसे फ्री फायर या फिर अदर गेम्स प्ले करते हैं, यहाँ पर FPS अगर आप चाहते हैं तो FPS मीटर भी आपको मिल जाता है। एंड डिफरेंट मोड आपको मिलते हैं, लो पावर मोड, बैलेंस मोड, प्रो गेमिंग मोड वगैरह आपको मिल जाते हैं। नोटिफिकेशंस अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ताकि गेमिंग करते हुए कोई भी डिस्टर्बेंस आपको ना मिले। बाकी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्ले की गेमिंग की अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, इसका यहाँ पर रोटेशन लॉक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये गेम ओपन नहीं किया है, वॉइस चेंजर का ऑप्शन जिस भी गेम में अवेलेबल होगा वहाँ पर ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। किसी दूसरे पर्सन की वॉइस में आप बात करें अपने टीममेट्स के साथ, बाकी लोगों के साथ, अगर आप थोड़ा फन करना चाहते हैं तो वॉइस चेंजर पे टैप करेंगे, जिस भी गेम में अनेबल होगा ये ऑप्शन सपोर्ट होगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। वॉल्यूम सेटिंग्स है, टच ऑप्टिमाइजेशन, बेटर टच मिले, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी CPU वगैरह, FPS की, GPU की, ये सारी डिटेल इसमें प्रोवाइड की गई है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा के अराउंड ये कैमरा रिंग लाइट कैसे मैंने अनेबल की, तो इसके लिए आपको बता दूँ, गूगल पे जाइए,
ये एप्लीकेशन रिंग रिंग अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपकी ओपन हो जाएगी। सिंपली इसकी परमिशन वगैरह सारी आपको अलो कर देनी है। अलो करने के बाद ये आपका इनेबल होना चाहिए। इसका रेडियस कितना आपको चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको लेफ्ट में लेके जाना, राइट में लेके जाना, अपवर्ड, डाउनवर्ड। बाकी अगर आपको कलर सेलेक्ट करना है कितने से इतने परसेंटेज के बीच में बैटरी रहेगी, जैसे कि 25% तक ये कलर है, बाकी आगे ये कलर है, जैसे भी बैटरी आप देख सकते हैं इतनी है, तो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है। अगर आपको कलर चेंज करना है, ये मैंने कर दिया, ओके पे टैप करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। बाकी यहाँ पर डिफरेंट चार्जिंग एनिमेशन की भी एनिमेशन आपको मिल जाती है। जब भी डिवाइस चार्ज होगा तो रोटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिले। आउटर सर्कल की थिकनेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इस डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे आप इनेबल कर सकते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी। इसका लोगो आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। सिंपली ऐसे ही इसकी परमिशन आपको अलो कर देनी है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पर IPS LCD पैनल है एंड ये ऑप्शन काम करता है जिस डिवाइस में होती है सुपर एमुलेट डिस्प्ले, जैसे इसमें आपको मिल जाती है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट वॉच फेसेस मिल जाते हैं, जो भी आपको एनेबल करने हैं। बीच में थोड़ी बहुत ऐड मिल जाती है, बट एक बारी के लिए मिलेगी, उसको सेट करने के बाद बार बार ऐड आपको नहीं मिलेगी। बाकी डिफरेंट स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं, तो जैसे कि ये हमें यूज़ करना है, सिंपली यूज़ पर टैप करेंगे, यहाँ पर अभी ऐड हो चुका है, इस पर टैप करेंगे, इसकी मूवमेंट भी आपको मिलेगी, डेट टाइम वगैरह डे सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। ये लाइट इफेक्ट का ऑप्शन कैसे मैंने एनेबल किया अभी उसके बारे में बता देता हूँ। सेम एप्लीकेशन इसी के अंदर से ऐड होगा, यहाँ पर एज लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले नोज सपोर्ट को सिंपली आपको एनेबल कर देना है। इसको अभी आप चाहते हैं जो लाइट इफेक्ट है ऑलवेज रहे, या फिर कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आए, जैसे कि एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आए, तभी ये साइड से ऑन हो। एज एनिमेशन, अभी कौन सी एनिमेशन आपको चाहिए, डिफरेंट यहाँ पर लाइट इफेक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मैं सेट कर देता हूँ इसको। बाकी इसकी सेटिंग्स अगर आपको कस्टमाइज़ करनी है कि कितनी इसकी थिकनेस वगैरह चाहिए, इसका साइज़, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसकी स्पीड कैसी आपको चाहिए, सिंपली सेव पे टैप करेंगे। अभी आप देखें यहाँ पर मैजिक लॉक स्क्रीन पर, तो ये यहाँ पर जो लाइट इफेक्ट है वो यहाँ पर आपकी आ चुकी है। तो ऐसे अगर आप एक्स्ट्रा कूल फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं डिवाइस में नहीं है, तो इन एप्लीकेशन के थ्रू आप ज़रूर से डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें सेटिंग्स के बारे में, यहाँ पर स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है। स्प्लिट स्क्रीन, फ्लेक्सिबल विंडो यानी फ्लोटिंग विंडो, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट स्लाइड बार, इसको सिंपली सबसे पहले आपको एनेबल कर देना है। अभी आप देखिए कॉर्नर पर ये स्मार्ट स्लाइड बार आ चुका है। एडिट पे टैप करेंगे, जो भी एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है, जैसे ये ऐड करनी है, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, तो सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करके उनको ऐड कर लेना है। एंड टूल्स को अगर आपको ऐड करना है वो भी आप ऐड कर पाएंगे। अभी दोस्तों ये ऑप्शन कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन पर टैप करेंगे, एज ए यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो यानी फ्लेक्सिबल विंडो जो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, ऐसे ये काम करेगा। इस पर टैप करेंगे, यहाँ से फुल स्क्रीन, एंड ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं। एंड स्मार्ट स्लाइड बार को कॉर्नर से स्लाइड करेंगे, इस पर टैप करेंगे, एंड यहाँ से इसका कॉर्नर से साइज आप एडजस्ट कर पाएंगे, एंड इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। एंड ये स्मार्ट स्लाइड बार पूरी सेटिंग्स में जहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको शो करेगा। एंड ऑल पे टैप करके ये सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर किड स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके घर में बच्चे ज़्यादा फ़ोन को नहीं मानते, बार बार यूज़ करते, डेफिनेटली जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं वही वो यूज़ कर पाएँ, तो सिंपली उसको अनेबल कर दीजिए एंड नेक्स्ट पे टैप करेंगे, एंड सिंपली नेक्स्ट हो जाएगी। कितने लिमिट के लिए, टाइम लिमिट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे टैप करिए, एंड जो जो रिमाइंडर आपको चाहिए, आई प्रोटेक्शन मोड अनेबल करना है तो ओके पे टैप कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं वही एप्लीकेशन आपकी मिली है, बाकी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। एंड ये मोड ऑटोमेटिकली कितने देर बाद यहाँ पर ऑफ हो जाए, तो ये भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड ये आपको एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो आप पासवर्ड मत बताना, तो ये फीचर काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन को सिंपल वे में यूज़ करना, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन के आइकन्स है काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इसका जो कंट्रोल सेंटर, मेन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर एग्जिट सिंपल मोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को फ़ोन गिफ्ट किया तो इतने सारे फीचर्स उनको यूज़ नहीं करने, तो सेटिंग्स में ये ऑप्शन स्पेशल फीचर्स के अंदर सिंपल मोड यहाँ पर आपको मिल जाता है। टेक्स्ट यहाँ पर बड़े हो जाएंगे, आइकन्स भी बड़े होंगे, एंड मेन सेटिंग्स आपको मिलेगी। बाकी अगर हम कुछ और शॉर्टकट्स के बारे में बात करें, 3 फिंगर डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा, स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट, बिग स्क्रीनशॉट अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो ऐसे भी स्क्रोल करके आप कर पाएंगे। एंड इस पर टैप करेंगे, एंड यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको क्रॉप करना है क्रॉप आप कर सकते हैं।
इसको एडजस्ट करना है, इसकी ब्राइटनेस सेचुरेशन वगैरह एडजस्ट करना है, फ़िल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फ़िल्टर यूज़ करना है। अगर आपको इसमें कुछ टाइप करना है पेन पेंसिल यहाँ पर मार्कर, डिफरेंट कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। टेक्स्ट टाइप करना है तो वो भी बोल्ड इटैलिक वगैरह ये सब आप यहाँ पर कर पाएंगे। काफ़ी सारे स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं, वो ऐड करने हैं, इसको ब्लर करना है, इरेज़ करना है, तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको इरेज़ करनी है, तो ये सारी सेटिंग्स एडिटिंग की यहाँ पर प्री इंस्टॉल आपको मिल जाती हैं। कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप स्लाइड डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन भी आपका अनेबल हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट शॉर्टकट्स विजिट्स आपकी ऐड हो चुकी है। तो अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पे टैप करके जो भी आपको ऐड करनी है, स्टेप ट्रैकर वगैरह ऐड करना है, कोई एप्लीकेशन ऐड करनी है, या फिर माइनस पे टैप करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप ऐड या फिर रिमूव यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप टू फिंगर से टैप करेंगे, होल्ड करेंगे, वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारे वॉलपेपर ऑलरेडी आपको मिलते हैं। मोर वॉलपेपर पे अगर आप टैप करेंगे यहाँ पर इसका जो थीम स्टोर है ओपन हो जाएगा, एंड थीम्स फोन्स जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आइकन्स का ऑप्शन मिलता है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर के साथ स्क्वेरिश शेप में आपको आइकन्स मिल जाते हैं। अगर आप टेबल पे टैप करेंगे, अगर आप कस्टम पे टैप करेंगे, ऑक्टागन शेप में टैप करेंगे, सर्कुलर अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। आइकन्स का साइज इंक्रीज डिक्रीज़ करना है, ऐप नेम का साइज़ अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज़ करना है, जो भी एप्लीकेशन का नाम है, या फिर वॉलपेपर का कलर जो है उसके अकॉर्डिंग मैच कर जाए जो एप्लीकेशन का कलर है, अभी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन यार काफ़ी सारी कमाल की प्रोवाइड की गई है। विजिट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आपको यहाँ पर क्लॉक ऐड करनी है, सर्च बार ऐड करना है, जैसे ये ऐड करना है, वेदर की डिटेल ऐड करनी है, तो ऐसे सिंपली पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं। एंड माइनस का ऑप्शन इस पर टैप करेंगे रिमूव हो जाएगी। लेआउट का ऑप्शन आपको मिलता है, एक रो में एक कॉलम में कितनी एप्लीकेशन आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 4x6 पे टैप किया, अभी 1 2 3 4 4 आ चुकी है। 5x6 पे टैप करूँगा, अभी एक साथ यहाँ पर 5 एप्लीकेशन आ चुकी है। बाकी जो 6 एप्लीकेशन है इसके नीचे आपको शो करेगी, 6 लाइंस इसके नीचे शो करेगी जितनी भी एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल होगी। ट्रांजिशंस वगैरह आपको मिल जाती है, होम स्क्रीन को रोटेट करने की कैसे एनिमेशन चाहिए, तो ये सारी सेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। मोर पे टैप करेंगे, ऐप ड्रॉअर आपको नहीं चाहिए तो सिंपली ड्रॉअर स्टैंडर्ड मोड पे टैप करेंगे, ऐप ड्रॉअर आपका हट जाएगा। ड्रॉअर मोड चाहिए, इसको बेसिकली बोलते हैं ऐप ड्रॉअर, तो इसको आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। बाकी रिमूव करना है वो भी आप कर पाएंगे। आइकन पुल डाउन गेस्चर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको एनेबल करेंगे कॉर्नर से ऊपर की तरफ। अगर आप थोड़ा टेढ़ा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी एप्लीकेशन नीचे आपकी शो करेगी, जिस पे भी आप यहाँ पर लेफ्ट करेंगे मूवमेंट को तो वही एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। आजकल जो डिस्प्ले है डिवाइस की काफ़ी बड़ी आपको मिल जाती है, तो ऐसे में सिंपली ऐसे भी स्लाइड करके उन एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डबल टैप करके डिवाइस को लॉक आप कर सकते हैं, एंड यहाँ पर स्वाइप डाउन करके सर्च बार चाहिए या फिर शेल्फ चाहिए या फिर नोटिफिकेशन ड्रॉअर, जैसे मैंने सेट कर रखा है सेल्फ, तो यहाँ पर ये आप अनेबल कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन ड्रॉअर चाहिए कहीं से भी स्लाइड डाउन करें तो वो सारी सेटिंग यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। बाकी आपको डिवाइस की ऐप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड कैसी चाहिए तो यहाँ पर फास्ट या मीडियम आप सेट कर सकते हैं। बिना टच करे डिवाइस ऑटोमेटिकली स्क्रीन की लाइट ऑन हो जाए टेबल पर रखे रखे, जैसे आप पिक करेंगे फ़ोन को तो रेस टू वे का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर फ़ोन को डबल टैप करके ऑन करना है या फिर ऑफ़ करना है, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वॉलपेपर्स अगर आपको यहाँ पर चेंज करने हैं काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। थीम चेंज करनी है थीम स्टोर में जाइए, इसके फॉन्ट थीम्स वगैरह ओपन थीम स्टोर पर टैप करिए, वो आप कर पाएंगे। फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है, इसका साइज़ अगर आपको लार्ज करना है पूरे सेटिंग्स का यूआई का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आइकन्स की शेप चेंज करनी है कैसे आपको चाहिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। कलर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कलर कैसा आपको चाहिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कलर सेट है पूरे डिवाइस की सेटिंग्स का, नोटिफिकेशंस का, यहाँ पर कॉल डायलर का, कंट्रोल सेंटर का। वॉलपेपर के कलर के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं चेंज हो जाए, जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये ब्लू कलर सेट हो चुका है। बाकी वॉलपेपर कलर पे इस पे अगर हम टैप करेंगे, ओके पे टैप करेंगे, अभी बैक जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे टैप करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा आपको चाहिए। अभी यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में है राउंडेड कॉर्नर के साथ, इसको अगर मैं स्क्वायर में करता हूँ अभी आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में है, बट जो राउंडेड कॉर्नर थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। ऐसे सेट करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर तो सिमिलर है बट ये आइकन्स का जो शेप है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो ये भी आप कर पाएंगे। डिवाइस में आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले की सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, इस पर अगर आप टैप करेंगे, अभी नॉर्मल लाइट मोड है, इसमें अगर आप टैप करते हैं तो नॉर्मल स्क्रीन आपको मिल जाती है।
बाकी लो लाइटिंग कंडीशन में अगर आप डिवाइस को ज़्यादा यूज़ करते हैं आपके आइस पर इफेक्ट कम पड़े, आई कंफर्ट मोड को इनेबल कर दीजिए, डिस्प्ले थोड़ी येलोइश हो जाएगी, बाकी इसका टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एंड साथ में डार्क मोड अगर आप अप्लाई कर लेंगे देन आपकी आइस पर और कम इफेक्ट पड़ेगा। फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करना है, डिस्प्ले साइज़ अगर आपको लार्ज स्मॉल चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं बिना यूज़ करिए डिस्प्ले की लाइट ऑटोमेटिकली स्क्रीन कितने टाइम बाद लॉक हो जाए तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। रिफ्रेश रेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप टच रिस्पॉन्स स्मूथ चाहते हैं तो हाई पे सेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पे नॉर्मल आपको स्क्रोलिंग का जो टच रिस्पॉन्स है वो आपको मिलेगा। गाइस अगर आपको डिवाइस की एडिशनल सेटिंग्स यूज़ करनी है यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे गेस्चर्स, वन हैंडेड मोड, पावर बटन की सेटिंग्स, असिस्टिव बोल, काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। तो अगर आपको बटन्स को अनेबल करना है तो यहाँ पर बटन पे टैप करेंगे, नीचे नेविगेशन बटन्स आपके यूज़ हो जाएंगे बैक जाने के लिए, होम स्क्रीन पर आने के लिए। बट अगर आपको गेस्चर स्टाइल पसंद है तो सिंपली आपको गेस्चर पे टैप करना है, बैक जाना है लेफ्ट या राइट साइड से सिंपली आपको स्लाइड करना है होम स्क्रीन पर, स्लाइड अप करेंगे एंड रिसेंट ऐप्स के लिए सिंपली स्लाइड अप करके होल्ड अगर आप करेंगे रिसेंट ऐप्स आपका ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप डेट वगैरह, टाइम वगैरह, नॉर्मल चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। गाइस आजकल जो डिस्प्ले है काफ़ी बड़ी बड़ी आपको मिल जाती है तो ऐसे में एक हाथ से फ़ोन को यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो सिंपली ऐसे आपको स्लाइड करना है। ये आप देख सकते हैं पूरे फ़ोन को अभी आप इतनी स्क्रीन पे यूज़ कर पाएंगे एंड इसको अगर आप स्लाइड करेंगे अप करेंगे तो यहाँ पर वैसे नॉर्मल आपका हो जाएगा। गेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, स्क्रीन ऑफ गेस्चर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ करना या फिर लॉक स्क्रीन पर और ड्रॉ करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी से फ्लैश लाइट, म्यूज़िक कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी ऐसे अगर आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एम करेंगे, डब्ल्यू करेंगे, यहाँ से क्या कुछ आपका ओपन हो तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ओ ड्रॉ करेंगे सिंपली पासवर्ड आपको फिल करना है वो ओपन हो जाएगी, अभी आप देख सकते हैं। बाकी वी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फ्लैश लाइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। बाकी यहाँ पर असिस्टिव बोल का ऑप्शन मिल जाता है, इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर ये बोल टाइप आपकी इनेबल हो चुकी है। टच करके गेस्चर अगर आपको इनेबल करने ये आप कर सकते हैं। टैप मेन्यू पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर टैप करने के बाद टोटल 5 से 6 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो इस पर स्क्रीनशॉट करने का लॉक आप कर सकते हैं यहीं से, डिवाइस को बैक जाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बाकी कुछ और ऐड इसमें करना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप ये शॉर्टकट ऐड करना चाहते हैं एसेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पर एसेसिबिलिटी मेन्यू को सिंपली आपको अनेबल करना है, यहाँ से अनेबल करेंगे, अलो करेंगे, देन यहाँ पर ये आपका ऑन हो जाएगा। गाइस आजकल डिस्प्ले काफ़ी बड़ी आपको मिल जाती है, सिंगल हैंड से यूज़ करना डिस्प्ले काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे में सिंगल हैंड से यूज़ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो यहीं से इस पर टैप करके वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। रिसेंट ऐप में आपको जाना है वो आप कर पाएंगे। ब्राइटनेस अगर आपको अप डाउन करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नोटिफिकेशंस, अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो काफ़ी सारे डिफरेंट शॉर्टकट्स आपको मिल जाते हैं। तो ओके गाइस ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है वन प्लस के इस डिवाइस में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में काफ़ी मेहनत लगे, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुके क्योंकि इतनी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है एंड कुछ सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी अपने तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस फीचर्स बता दिए। बाकी अगर आपको इसकी बाकी वीडियोस देखनी है, इसका बैकवर्ड, अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास डिस्प्ले सेव करनी है तो ये जरूर से लगा लेना, तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।